में जब नेकी की दीवार के बारे में सोचा गया था, तब किसी ने भी ना सोचा होगा कि किस तरह से उसका उपयोग के साथ में लोग फायदा भी उठाना शुरू कर देंगे। शुरुआत में नेकी की दीवार हनुमान चौराहे पर बनाई गई थी, जिसमें महज कपड़े रखकर गरीबों को या फिर जरूरतमंदों को देने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन समय के साथ साथ उसका राजनीतिकरण भी शुरू हो गया, जिसके चलते नेकी की दीवार के साथ साथ नेकी का खाना, नेकी की रसोई, नेकी की रोटी, नेकी का दवा खाना आदि शुरू होते गए। इस नेकी की दीवार पर बनाए गए दवा खाने के विरोध में अभिभाषकों ने जिला कलेक्टर और नगर पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा के बाद कार्रवाई न होने के चलते सभी अभिभाषकगण एक साथ इकट्ठा होकर नेकी की दीवार पर जायजा करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे अच्छा काम यह किया कि वहां पहुंचने से पहले उन्होंने जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को फोन लगा दिया, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक गुना में कैंट थाना प्रभारी मदन मोहन मालवीय को हनुमान चौराहे पर पहुंचा दिया। वहीं वहां जो देखने को मिला उसे देखकर किसी ने यह ना सोचा होगा कि इस तरह के नजारे भी यहां पर देखने को मिलेंगे। अभिभाषकों ने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से स्मैक के नशे में चूर एक युवक ने दीवार के अंदर आ रहा है। वहीं दो अन्य युवक भी इसी हालत से मेल खाते हुए दवा खाने में बैठे हुए थे। ऐसा नहीं था कि इस समय वहां पर कोई मौजूद ना हो, तथाकथित समाज सेवक इस समय वहां पर मौजूद थे, वहीं अपनी वकालत को भी अंजाम दे रहे थे। अभिभाषकों के कैमरे में आदरणीय वकील साहब की अचटी और फाइलें टेबल पर रखी हुई साफ नजर आ रही हैं, जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि यहां पर वकालत का काम भी किया जा रहा है। वहीं इस संबंध में अभिभाषक एवं समाज सेवी और नेकी की दीवार के संस्थापक पुष्पराग शर्मा ने बताया कि फेसबुक पर उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय रखी है, जिसको लेकर यह बवाल शुरू हो गया है। कुछ वकीलों ने भी नेकी की दीवार पहुंचकर उधम मचाया था। साथ ही उन्होंने कहा कि अब नेकी की दीवार आनंद मंत्रालय के सुपुर्द की जा चुकी है, इसमें उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। वहीं जो हमारी बात एडवोकेट मनोज श्रीवास्तव से हुई तो उन्होंने बताया कि आनंद मंत्रालय कमलनाथ सरकार ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। वहीं उन्होंने सवाल खड़ा किया कि यदि समाज सेवा की जगह यहां पर वकालत का काम कैसे किया जा रहा है। वहीं उन्होंने इस पर भी आपत्ति जताई कि कैसे एक चलती हुई रोड पर जहां एक और नगर पालिका अतिक्रमण हटाने की बात कर रही है, वहीं अतिक्रमण किया जा रहा है और कैसे यहां पर एक अस्पताल का संचालन हो रहा है, जबकि इन लोगों के पास किसी भी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन और परमिशन नहीं है। साथ ही यहाँ उन्होंने कहा कि यदि दवाई के साइड इफेक्ट से किसी मरीज के साथ कोई घटना घट जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। क्या है कि मैंने फेसबुक पर एक टिप्पणी की कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, इसको लेकर ये पूरा बवाल। असल में युद्ध की जगह शांति की कामना भारतीय विचार परंपरा का हजारों वर्षों का एक विचार है, जिसे गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी से लेकर महात्मा गांधी ने तक फॉलो किया, प्रचारित किया, उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और इसका हमें हक। दूसरी इनकी आपत्ति है कि युद्ध काल में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। नंबर एक तो युद्ध काल नहीं है, दूसरा आपातकाल नहीं। हमने कक्षा 8 में पढ़ लिया था नागरिक शास्त्र, उसमें लिखा था कि एक नागरिक के जब तक कि उन्हें आपातकाल लगाकर निलंबित न करें क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है। हम उसका पालन कर रहे हैं, पूरा कानून भरा पड़ा है। इन लोगों को कानून पढ़कर आना चाहिए कि क्या नागरिक के अधिकार है, क्या कर्तव्य है। जहाँ तक इस नेकी की दीवार का सवाल है, ये नेकी की दीवार हमने 2 अक्टूबर गांधी जयंती को 2016 में स्थापित किया था। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने ये पूरा का पूरा नेकी की दीवार का कंसेप्ट यहाँ से उठाकर पूरे प्रदेश में लागू किया और इस नेकी की दीवार को भी 14 जनवरी 2017 को आनंद मंत्रालय ने टेक ओवर किया। उसके बाद से हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से यहाँ पे काम जरूर कर रहे हैं, पर इसकी पूरी जिम्मेदारी आनंदम विभाग मध्य प्रदेश सरकार की। तीसरी बात, जो इन लोगों ने कल यहाँ पर आकर उपद्रव किया नेकी की दीवार पर, इन्हें इतनी समझ होनी चाहिए कि एक प्रिमाइसिस के अंदर, एक परिसर के अंदर इस तरह से अवैधानिक रूप से घुसना, कानून को हाथ में लेना है। और एक कानून पढ़ा लिखा आदमी यदि इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त होता है तो उसका परिणाम, दुष्परिणाम इन्हें पता होना चाहिए। हम लोग जिन्होंने आंदोलन किया है वो कोई भी व्यक्ति नेकी की दीवार का विरोधी नहीं है, विरोधी हम व्यवस्था के। व्यवस्था कैसी कि नेकी की दीवार की आड़ में
कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, कभी सांसद को रोकते हैं, कभी कलेक्टर को रोकते हैं, कभी विधायक को रोकते हैं, कभी मंत्री को रोकते हैं, और उसको एक ज्ञापन देने का केंद्र बना दिया है। नेकी की दीवार जिस जगह स्थापित है वो हनुमान चौराया व्यस्तम चौराया है, कोर्ट के गेट पर है, तो लोगों को निकलने के लिए दिक्कत हो रही है। तो एक ओर तो प्रशासन अतिक्रमण हटवाता है और दूसरी ओर अतिक्रमण कराने में सहयोग कर रहे हैं, तो प्रशासन की भूमिका भी इसमें ठीक नहीं है। तो नेकी की दीवार के हम लोग विरोधी नहीं है, कलेक्टर साहब चाहते हैं उसको कहीं एकांत में शिफ्ट करा दें, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हमारा विरोध ये है, नेकी की दीवार में जो दवाइयों का वितरण हो रहा है, क्या दवाइयाँ किसी लाइसेंस के अधीन वितरण किया जा रहा है, क्या दवाइयाँ रिकमेंड कर कर दी जा रही हैं? अगर मान लीजिए दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट होता है तो क्या इसकी जवाबदारी प्रशासन ले? नहीं लेगा। उस समय प्रशासन हाथ खड़े कर देगा, जांच की बात कर लेंगे। कल हमने जब आप मौके पर पहुंचे, प्रशासन ने 24 घंटे में कोई कार्रवाई नहीं की, तो दो नशे की हालत में मिले। हमने सबसे पहले पुलिस अधीक्षक जी को फ़ोन किया, पुलिस अधीक्षक जी ने कैंट पुलिस को भेजा, तो वहाँ एक को मेडिकल कराने भेजा और एक के संबंध में पुलिस कहती है पागल है। अब पागल भी है तो कोई वो पागलों का अड्डा तो है नहीं है। आप समाज सेवा कर रहे हैं तो नेकी की दीवार की उतनी सुरक्षा आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए हम नेकी की दीवार के विरोधी नहीं हैं, हम व्यवस्था के विरोधी हैं, हम नेकी की दीवार की आड़ में की जा रही राजनीति के विरोधी हैं। क्योंकि जो लोग राजनीति कर रहे हैं वही लोग कभी दूसरी तालाब पर राजनीति करते हैं, वही लोग कभी शहीद पार्क के नाम पर राजनीति करते हैं, कभी वही लोग उसके गुनिया नदी के नाम पर राजनीति करते हैं और फिर अधूरा प्रोजेक्ट छोड़ते हैं और चले जाते हैं। अब क्या कारण है ये वो लोग जाए। कल जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने देखा कि वकील साहब जो नेकी की दीवार की ओर में समाज सेवा का ढंग कर रहे हैं, उनका वकालत का ब्रीफ केस, उनकी फाइल वहाँ दिखी, तो ऐसा लगा पता नहीं वो आज अपना ऑफिस संचालित कर रहे हैं। तो ऑफिस संचालित करने की परमिशन तो नहीं दे सकती कि आप अतिक्रमण भी कर लें और वहाँ से अपना व्यवसाय भी शुरू कर दें। हाँ, समाज सेवा आप कर रहे हैं, अच्छा काम हो सकता है आपका, इस बात से हम इनकार नहीं करते, किंतु आपको ऑफिस चलाने की इजाज़त अतिक्रमण कर नहीं दी जाएगी, राजनीति करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नेकी की दीवार के सदस्य जो हैं उन्होंने कहा है कि ये आनंद मंत्रालय के अधीन उनका प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आनंद मंत्रालय गवर्नमेंट का था और है नहीं। आनंद मंत्रालय को माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने गवर्नमेंट बदलते ही समाप्त कर दिया है, तो आनंद मंत्रालय तो है ही नहीं। तो आनंद मंत्रालय के अधीन आप राजनीति करेंगे ये कहीं नहीं रहा, तो आनंद मंत्रालय नहीं है तो राजनीति तो कोई करने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए उनका ये कथन है कि आनंद मंत्रालय अब बिल्कुल निराधार है, कोई आनंद मंत्रालय से एफिलिएशन नहीं।